नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में। मुंबई के अंधेरी पूर्व से शिवसेना विधायक रमेश लटके का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। जी हाँ, बताते चले कि वो दुबई में अपने दोस्त से मिलने गए थे। बुधवार रात को अचानक उनको दिल का दौरा आया और उनका निधन हो गया। रमेश लटके की उम्र महज 52 साल थी। बताया जा रहा है कि जब उन्हें अटैक आया तब उनका परिवार शॉपिंग के लिए गया हुआ था। उनके शव को दुबई से मुंबई लाने की कोशिश की जा रही है। बताते चले कि रमेश लटके 2014 में कांग्रेस के सुरेश शेट्टी को हराकर पहली बार अंधेरी पूर्व से महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुने गए थे। 2019 में उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार एम पटेल को हराया था। इसके अलावा वो कई दफा बीएमसी में पार्षद भी रह चुके हैं। उनके निधन के बाद शिवसेना में शोक की लहर दौड़ गई। उनके समर्थकों को भी गहरा झटका लगा है। विधायक लटके कुछ दिनों से अपनी फैमिली के साथ दुबई में थे। इसी दौरान बुधवार को उनके निधन की सूचना आई, जिसको सबने हैरान कर दिया। शिवसेना का हर एक नेता काफी ज्यादा हैरान हो गया। यहाँ पर उद्धव ठाकरे को भी बड़ा झटका लगा है। बता दें कि हार्ट अटैक से कुछ समय पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यक्रम में मंच संचालन कर रहे यूथ कांग्रेस के मोहब्बत सिंह नेता का भी निधन हो गया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यक्रम में पहुंचने से कुछ समय पहले माइक पर बोलते बोलते युवक कांग्रेस के नेता मोहब्बत सिंह को अचानक दिल का दौरा पड़ गया और वे मंच पर ही गिर पड़े। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुब्रत मुखर्जी का निधन भी हार्ट अटैक की वजह से हुआ। कोलकाता में उन्होंने आखिरी सांस ली थी। सुब्रत मुखर्जी 75 साल के थे, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से चुनावी माहौल में एक बड़े नेता का चले जाना बहुत बड़ा झटका देने की बात थी, तो वही हुआ। यहाँ पर उद्धव ठाकरे को भी हैरानी हुई और साथ ही साथ पूरी पार्टी इस वक्त शोक मनाते हुए नजर आ रही, और पार्टी में के साथ साथ परिवार में भी सन्नाटा छा चुका है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़।